दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू होने का ये मौका मिला है। और जब कभी पत्रकार हुआ करते थे तब शायद इस सामाजिक विषयों को लेकर के काफ़ी जागृत थे, लेकिन जैसे ही वकालत क्षेत्र में आए तो ये सिलसिला टूटा। लेकिन एक चीज़ गौर की, जितना आप समाज से दूर होते जाएंगे उतनी आपकी आत्मिक चेतना दबती जाएगी, और जितना आप समाज के बारे में विचार करेंगे, समाज के ज्वलंत मुद्दों के बारे में विचार करेंगे, उतनी ही आपकी प्रगति होती, उतनी ही विकास होती है। तो ये हमने एक शुरुआत करते हैं कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, और जब आप देखते हैं कि इंटरनेट में एक कंटेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा आ चुकी है, लोग केवल रील्स देख रहे हैं और फालतू के वीडियो जब बना रहे हैं, तब अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ एक ऐसे एक अच्छे मुद्दों को लेकर के आए जिससे समाज को कुछ समझ में आए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि देश में अब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का एक विचार मंथन हुआ है कि पार्टी किस प्रकार से फिर से पुनः बचाया जाए, और उदयपुर में ये हुआ है ये मीटिंग, और उसके बाद विचार में लगी हुई है कि कांग्रेस का क्या उदय संभव है। क्योंकि जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम जब बात करते हैं, तब उस देश में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, नहीं तो हालात उस श्रीलंका की तरह होते हैं जहां पर राजपक्षे ने कई सालों तक अखंड वहां पर सत्ता को भोगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है, जस्ट अपने बाजू का पड़ोसी आज बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर है। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्या कांग्रेस का नया उदय हो पाएगा। एक कभी जब आपको याद होगा 1980 के दौर में एम्बेसिडर कार हुआ करती थी, और वो कार जब सत्ता की गलियारों से गुजरती थी या फिर सड़क से तो एक उसका दबदबा था। लेकिन जैसे ही 1980 में जब मारुति आई और जब अपने ग्लोबलाइजेशन हुआ और उसके बाद जब कई सारे ब्रांड आए, तो उस एम्बेसिडर ने खुद को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। उसमें जापान का इंजन लगाया, उसमें एसी लगाई, लेकिन नया ब्रांड वो सफल नहीं हो पाया। उसी प्रकार क्या कांग्रेस आज जो अधर में गिर चुका है, क्या वो फिर से उठ खड़ा हो पाएगा। क्या कांग्रेस के जो पुराने वो थे, क्या एक सेकुलरिज्म की बात करते थे वो कि हम सेकुलर है और भगवा आतंकवाद को उन्होंने गढ़ा, चाहे राम मंदिर के ऊपर उन्होंने तितिक्षा सही, इस भावना और सेंटिमेंट को वो कभी समझ में नहीं पाए। तो क्या वजह थी कि कांग्रेस आज इतनी गर्त में जा चुकी है। देखिए, राजनीति आज इसके समय सुनसान पड़ी हुई है, और इतने सारे मुद्दे हैं आज के समय में। देश के ऊपर मंदी की एक छवि होगी है, जो पेट्रोल के प्राइस थे वो किस हद तक बढ़ चुके हैं आपको पता है। आप कहोगे कि ये तो सब वैश्विकता के ऊपर ये निर्भर करता है कि प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं और जब कहते हैं कि अब बहुत स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, तब सरकार हमारी क्या कर रही है। जब इतने सारे मुद्दे कांग्रेस के पास है, उसके बावजूद जब कांग्रेस अधर में जाती है, तो ये बड़ा चिंता का विषय होता है। और हमेशा कांग्रेस अपने आप को नेहरू की बपोती मानती है, इंदिरा गांधी की बात करती है, राजीव गांधी की बात करती है, महात्मा गांधी की बात करती है, और उनके किए हुए कार्यों के ऊपर वो चाहती है कि हम देश में कुछ स्थान बना पाए या देश में हम कुछ राजनीति में जगह बना पाए। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा, अतीत के गर्व को भुला करके, अतीत के चीजों को भुला करके आज वर्तमान क्या मांग कर रहा है, देश के युवा क्या मांग कर रहे हैं। देश के युवा के पास आज डिग्री आ चुकी है, लेकिन करने को काम नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। तो एक विपक्ष मजबूत चाहिए, तो आज हम उसी के ऊपर, जैसे उदयपुर में 75 साल के बाद आज कांग्रेस देश आजाद हो गया, और कांग्रेस जिस स्थिति में है उतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी जितनी कांग्रेस की इस समय है। और जब मीडिया का चौथा स्तंभ सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुका है, आप प्राइम टाइम निकाल के देख लो, जब भी आप टीवी देखो तो आप हमेशा एक पार्टी की बात करते हुए देखते हैं कि ये यहाँ पर गए, ये वहाँ पर गए, इस नेता ने ऐसा किया वैसा किया, जन मुद्दे जो थे, जन सरोकार जो थे, वो पूरे के पूरे मिटा दिए गए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस कभी सामने नहीं आ पाई है, इतने सारे मुद्दे हैं लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। बेरोजगारी है अपने देश में, देश के चेहरे और सच में लोकतंत्र का मंदिर कमजोर हो चुका है। जब मोदी भक्तिमय हम सब जगह पे देखते हैं, ऐसा नहीं है वो गलत है, लेकिन आप व्यक्ति विशेष की पूजा कब तक करते रहेंगे। आप इस देश के लिए केवल व्यक्ति पूजा से बात नहीं बनेगी, केवल विचारधारा से पेट नहीं भरेगा। हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए, हमारे मुद्दे ये होने चाहिए कि हम एक्सपोर्ट की तरफ कैसे बढ़े, हमारे देश का एक्सपोर्ट कैसे मजबूत हो, यहाँ पर स्किल को कैसे बढ़ा पाए। आज टैक्स भी बहुत बढ़ गया है, सारी चीजें बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस फिर भी उन मुद्दों को लेकर के नहीं आती है। और अब इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं। आपने हमेशा राजनीति में उन लोगों को स्थान दिया है जो बड़े बड़े कद्दावर थे, जिनके पास पैसा अधिक था, जिनके पास जमीनें अधिक है। आप जितने भी आज की देश में राजनीति में देखिए, आपको ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी पड़ेगी।
आप क्या सोचते हो, क्या देश में एक ही मोदी है, क्या देश में एक ही राहुल गांधी है? उनके जैसे कई बुद्धिमान, उनके जैसे कई कर्मठ लोग आज भी इस देश के कोने कोने में पड़े, बस उनको जरूरत है उनकी प्रतिभा को पहचानने की। ठीक उसी प्रकार जब भारत खंड खंड में बटा हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य और जब चाणक्य इस में आए और मगध के पास गए कि सिकंदर का आक्रमण हो रहा है और हमें संपूर्ण भारत की रक्षा करनी चाहिए, तब मगध का राजा कहता है कि हमें क्या ज़रूरत है, आप हम अपना मगध देख लेंगे और बाकी राज्य अपने देख लेंगे। तो यही स्थिति थी और तब कोई राजा नहीं था कि कुछ अखंड भारत की संकल्पना को करे। तब चाणक्य निकलते हैं और सोचते हैं कि मैं एक ऐसे राज्य का निर्माण करूंगा जो अखंड भारत होगा, और उस अखंड भारत की खोज में वो खोज करते हैं चंद्रगुप्त की। वो चंद्रगुप्त जिसका पहले का राज्य सब कुछ लूट चुका था, एक साधारण सी स्त्री के पास वो रहता है और उसको एक आम से खास बनाते हैं। तो देश की राजनीति में यदि आपको वास्तव में परिवर्तन करना है, आपको इनके हिंदुत्व से जब लड़ना है, जब इनका हिंदुत्व उफान पर है, जब इनका हिंदुत्व सब जगह पर छाया हुआ है और कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, तब आपको केवल एक ही विषय बचा सकते हैं। आप जितने भी VIP लोगों को कांग्रेस ने खड़ा किया है, उन सबको बाहर निकालो, गांव गांव में और देश के कोने कोने में एक ऐसे प्रतिभाओं की खोज करो जो संघर्ष कर सके। ऐसे कई लोग देखने में आते हैं, बस उनके पास केवल पैसा नहीं है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में देख लो, यहाँ पर कांग्रेस फल फूल रही है, लेकिन आप उनके NCP और कांग्रेस के नेताओं को देखो, सबके पास बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनके पास जब पैसों का इतना कद है जिसके भरोसे पर ये राजनीति में आते हैं, तो आम लोगों को कैसे इसका फायदा मिल पाएगा, कैसे कौन इसमें जा पाएगा? तो एक ही एक है कि उस समय और कांग्रेस को बिल्कुल ये राहुल गांधी के भूत से हट जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी आएंगे और हमारी पार्टी में जान भरेंगे। आप कब तक एक व्यक्ति के भरोसे अपने कांग्रेस को डुबाते रहोगे, कब तक? वो जब कह रहे हैं कि उनको इच्छा नहीं है, वो कुछ पार्ट टाइम के लिए सक्रिय होते हैं, और एक तरफ वो दोनों की जोड़ी है जो हमेशा तैयार रहती है, देश के मुद्दों को लेकर के जागृत रहते हैं, और ये है जिनको कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे एक की पार्टी बन सकते हो? हमें सच में दुख होता है, और क्यों नहीं हो? अब आप कहेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है ये सब के बारे में कहने की, और क्यों नहीं कहना चाहिए? जब देश में मजबूत विपक्ष ही नहीं होगा तो मुद्दे कैसे गढ़े जाएंगे? एक TRP वाले न्यूज़ हम देखते हैं कि बस इसने ऐसा क्या, इसने ऐसा स्टेटमेंट कहा, बस इसने वो गोदाम खोले, ये खोले, लेकिन आज वास्तविक स्थिति क्या है? महंगाई आसमान छू गई है और किसानों को उसका आज भी दाम नहीं मिल रहा है, उसकी फसलें बराबर खरीदी नहीं जाती है, यूरिया बढ़ गया है, फर्टिलाइजर डिमांड कितने हाई रेट्स हो गए हैं, महंगाई 30% बढ़ चुकी है, कारण चाहे वैश्विक कोई भी हो, लेकिन फिर भी। तो ये मुद्दे, जब इतने सारे मुद्दे देश में हैं, तो फिर कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं कर पाती? कब तक ट्विटर और सोशल मीडिया का खेल खेलती रहेगी? और उदयपुर में आप इतना बड़ा मोर्चा निकाल रहे हो और आप ये सब कर रहे हो, आप जब तक नए विचारधारा को लेकर के नहीं निकलेंगे, जब तक नए चीज़ों को, नए बदलाव नहीं लाएंगे, तो एम्बेसिडर कार का जैसा हाल हुआ था वैसा ही एक दिन आपका होना है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप सच में हम एक युवाओं की खोज कीजिए, एक ऐसे लोगों को खोज कीजिए जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपने देश के लिए सोच सकते हैं, जिनके पास बुद्धिमत्ता है, बस जिनके पास केवल पैसों का कद नहीं है। आप ऐसे लोगों को खोजिए। और जब भी कोई कांग्रेस का नेता आए, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे छत्तीसगढ़ के CM हो, चाहे यहाँ पर और भी जो आपके बड़े बड़े नेता बच गए, इन सबको अपनी सत्ताओं से मुख मोड़ के दिल्ली में जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कब तक आप VIP कल्चर को मापते रहेंगे? आपने अशोक गहलोत और राजस्थान में चिपके पड़े हैं, जबकि उससे होनहार सचिन पायलट रास्ते में थे, सिंधिया को पद छोड़ना पड़ा सिर्फ कमलनाथ की वजह से। तो क्यों ये सत्ता का मोह कब तक, और कांग्रेस की जो मेन कोर कमेटी है वो कब तक इस चीज़ों को समझेगी? क्या निर्णय केवल दिल्ली में RCR के गलियारों में बैठ करके लिए जाएंगे, या फिर यहाँ पर किसी नई प्रतिभा को खोजा जाएगा, या देश की राजनीति केवल इसी धराशाही पर चलती रहेगी? और शिक्षा का मुद्दा भी बहुत सारा है, कितने सारे मुद्दे हैं, कितने अनगिनत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस न कुछ कर पाई, तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। बहुत सारे मुद्दे थे जिनको मैं सोच के रखा था, काफ़ी सारे तो बोल के हो गए हैं, और बस यही है कि अतीत के गौरव से निकल करके आपको वर्तमान देखना पड़ेगा,
हो सकता है, और ये हमारे जीवन में भी होता है, हम कभी कभी खो जाते हैं किसी न किसी विषय में, किसी न किसी मोह में, माया में। तो ये हमारे लिए भी एक चिंतन का विषय होना चाहिए मनुष्य होने के नाते, कि हम अपने को कैसे एक्सप्लोर करें, हम कैसे नित नवीन पना लाए, हम बुढ़ापे की ओर न जाए, हम दिन प्रतिदिन नवीन होते जाए, हमारे जीवन में उमंग बना रहे, हम अपने जीवन में उन्नति की राह की तरफ बढ़े। तो ये चिंतन विषय जितना कांग्रेस के लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए होना चाहिए, कि हम कहाँ पर अटके पड़े। इतने पुराने ब्रांड को अब कांग्रेस को नए अवतार में लाना पड़ेगा, और जो कुछ भी है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। धन्यवाद।